But if you close your eyes. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्मी फंडे। दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ, उस फिल्म का नाम है द इनविजिबल मैन। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी 2020 में। फिल्म के डायरेक्टर हैं ले वॉनल। वो जाने जाते हैं कहानी लिखने के लिए फिल्म लाइक इंसीडियस, सॉ और चाहे वो डेड साइलेंस हो। बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने लिखी हुई हैं। इस फिल्म से भी हमें काफ़ी उम्मीद थी क्योंकि इसमें राइटर भी वही हैं और डायरेक्टर भी वही हैं। अगर बात करें तो उन्होंने जेम्स वैन के साथ काफ़ी काम करा हुआ है पहले, और जेम्स वैन जैसा कि आपको पता है हॉरर फिल्मों में बहुत अच्छा काम उनका रहा है अभी तक का, तो इस फिल्म से एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली और ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है सिसिलिया से। सिसिलिया जो कि प्ले कर रही है रोल एलिजाबेथ मोस। हमें दिखते हैं कि सिसिलिया एक बंगलों में होती हैं जहां वो अपने हस्बैंड से दूर भागना चाहती हैं। वो प्लान करती हैं अपने बहन एमिली के साथ और भागने में कामयाब भी हो जाती हैं। अब वो अपने हस्बैंड से क्यों भाग रही हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब वो भागने में कामयाब तो हो जाती हैं, बट कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड एड्रियन ने सुसाइड कर लिया। अब उनको इस बात का यकीन नहीं होता है कि जो बंदा उनको इतना फिजिकली टॉर्चर करता था, मेंटली टॉर्चर करता था और जिस तरीके से कंट्रोल करता था, ऐसा बंदा सुसाइड कैसे कर सकता है। बट जो एड्रियन के भाई टॉम होते हैं वो समहाउ उनसे कनेक्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि नहीं, उसने सुसाइड कर लिया है। उनको कुछ फोटोज भी दिखाते हैं और साथ में बोलते हैं कि उनकी अस्थियां मेरे पास है, आप वो भी देख सकती हैं। स्टिल सिसिलिया को विश्वास नहीं होता है कि उसके हस्बैंड ने ये सुसाइड किया है। कहानी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे सिसिलिया को कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ दिखनी शुरू हो जाती हैं। उसके लाइफ में कुछ अजीबोगरीब तरीके की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि अचानक से उसके ऊपर से चादर हट जाना सोने टाइम पे, चाहे उसके चाकू अचानक से किचन में गिर जाना, खाना बनाते टाइम आग लग जाना। इस तरीके की बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। सिसिलिया को लगता है कि उसका हस्बैंड वापस आ गया है उसके साथ ही रहने के लिए, चाहे उसको कंट्रोल करने के लिए। वो सब लोगों को ये बात बताती है बट कोई सिसिलिया पर यकीन नहीं करता है। अब धीरे धीरे करके सिसिलिया के जितने भी करीबी लोग हैं वो उनसे दूर होते जाते हैं। अब उनसे सिसिलिया को कौन दूर कर रहा है, कैसे दूर कर रहा है, ये आपको फिल्म में देखने के लिए मिलेगा। सिसिलिया एक वक्त के बाद इतनी अकेले हो जाती हैं कि उनको ट्रॉमा सेंटर में रखना पड़ता है। उन्हें सब समझते हैं कि ये मेंटली इल हो चुकी हैं। ट्रॉमा सेंटर में भी उनको ऐसी ही अजीबोगरीब चीज़ दिखती हैं। अब सिसिलिया क्या करेंगी? क्या वो उस अदृश्य शक्ति के साथ लड़के जीत पाएंगी? क्या वो उस ट्रॉमा सेंटर से बाहर निकल पाएंगी? या ये सब बातें आखिर कर कौन रहा है, क्या वजह है इसके करने की? यही सब बातें जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में सिर्फ एक यही एंगल नहीं है, फिल्म का एक और एंगल है जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो आप खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी फिल्म है। अगर बात करें डायरेक्शन की तो ले वॉनल ने बहुत ही अमेजिंग डायरेक्शन करा है। एक एक चीज़ पर उन्होंने बहुत बारीकी से ध्यान दिया है, चाहे वो एक सीन को शॉर्ट करना हो जहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें दिखानी हो, चाहे वो कोई सीन ऐसा शॉर्ट करना हो जहाँ पे कोई मर्डर दिखाना हो, उन्होंने बहुत ही बारीकी से काम किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक एक बहुत ही ऐड करता है पैरानॉर्मल चीज़ों को दिखाने में, आपको डराने में। इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको बिल्कुल देख के भूत वाला जो फीलिंग बोल सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल चीज़ें हैं बट जिस तरीके से दिखाया गया है आपको डर होता है, जंप स्केयर्स आते हैं, यही इस फिल्म की खासियत है। फिल्म की अगर बात करें डिमिनट्स की तो फिल्म थोड़ी स्लो है, आपको शुरू में थोड़ा सा फिल्म में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें एक्टिंग की तो जो सिसिलिया का रोल निभाया है एलिजाबेथ मोस ने, उन्होंने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी है। जिस तरीके की एक्टिंग उन्होंने की है पूरी फिल्म में, आप पूरी तरीके से उनसे कनेक्ट हो पाते हो। उनकी छोटी बड़ी हर एक फीलिंग को आप भी फील करते हो, आप उनका दर्द महसूस करते हो। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे उन्हें और भी ज़्यादा काम मिलने वाले हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को देने वाली हैं। बाकी कैरेक्टर्स की बात करें तो उन्होंने भी अपना काम बखूबी निभाया है। ओवरऑल फिल्म को मैं 3.5 स्टार देना चाहूँगा आउट ऑफ 5, क्योंकि ये फिल्म उतना डिजर्व करती है। आप इस फिल्म को देखें और मुझे बताएं ये फिल्म आपको कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।